नमस्कार किसान भाइयों, जब हम खेत पे जाते हैं तो किसानों के सबसे ज़्यादा हमें एक चीज़ दिखाई देती है, वो है सोयाबीन में पीलापन। सोयाबीन में पीलापन के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण अजैविक है, कुछ कारण जैविक है। तो सबसे पहले मैं आपको जैविक कारकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मध्य क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पीलापन पड़ता है, वो पड़ता है जैविक कारणों में, एंथ्रेक्नोज नाम की बीमारी की वजह से। उस बीमारी के अंदर आप देखेंगे तो भूरे कलर के धब्बे होंगे, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा पीलापन आपको दिखाई देगा। यह पीलापन फूल बनने के बाद में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि पौधा अपनी पूरी की पूरी एनर्जी फल बनाने में गुजारता है, तो उस समय पीलापन ये ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद में दूसरा आता है YVMV, येलो मोजाइक के नाम से, जो बीमारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बीमारी के अंदर आपको पीले के साथ में हरे कलर की पचीकारी दिखाई देंगे। ये ऐसे पत्ते आपको सोयाबीन के 15 से 20 दिन की अवस्था से लेकर सोयाबीन के लास्ट तक दिखाई दे सकते हैं। इस बीमारी के अंदर धीरे धीरे पत्ते पीले पड़ते रहते हैं और जो हरापन होता है वो पौधा का धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, और एक अवस्था के अंदर पूरे का पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। ये दोनों मुख्य कारण हैं जैविक कारण। इन जैविक कारणों से आपको कैसे बच सकते हैं? इन जैविक कारणों के बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहचानें कि बीमारी कौन सी है, क्योंकि जो सोयाबीन की एंथ्रेक्नोज बीमारी है वो फफूंद जनित है, तो आपको उसके लिए एक फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा जो भी सोयाबीन से अनुशंसित है। जो पीला मोज़ेक वायरस है वो बीमारी सफ़ेद मक्खी से ट्रांसमिट होती है, तो सफ़ेद मक्खी का उपचार ही इसके अंदर सबसे प्रमुख है। तो आपको थायमिथोक्सोम का सीड ट्रीटमेंट करना है, और उसके बाद में 20 से 21 दिन के बाद में थायमिथोक्सोम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन का जो केमिकल आता है उसको स्प्रे करना है। उसके अलावा जो रोग ग्रसित पौधे हैं पीले मोजाइक के, उनको अगर आप प्रारंभिक अवस्था में रोक देंगे तो आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा येलो स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप से जो सफ़ेद मक्खी होगी वो उस पर चिपक जाएगी, जो काफ़ी आसान होगा।